स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का क्या महत्व है? ए, यह एक आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार है। बी, यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। सी, यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। डी, ये भारतीय समुदाय में एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आंसर सी, यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। एक्सप्लेनेशन, अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बीएपीएस हिंदू मंदिर ने महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में 14 फरवरी 2024 को अपनी मूर्तियों के अभिषेक का जश्न मनाया। यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतरधार्मिक समझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। अगला प्रश्न, कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? ए, पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा। बी, किसी हवाई अड्डे पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र। सी, किसी हवाई अड्डे में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संयंत्र। डी, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। आंसर डी, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। एक्सप्लेनेशन, इस परियोजना को किसी हवाई अड्डे पर दुनिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। बीपीसीएल कोची हवाई अड्डे पर एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र और ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि सीआईएल भूमि, जल और हरित ऊर्जा संसाधनों में योगदान देगा। अगला प्रश्न, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ए, निरंजन शाह। बी, राहुल द्रविड़। सी, कपिल देव। डी, जय शाह। आंसर ए, निरंजन शाह। एक्सप्लेनेशन, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। निरंजन शाह ने 1965 से 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और वह बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रहे हैं। ये गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए, गिरिराज सिंह। बी, नंद किशोर यादव। सी, तेजस्वी यादव। डी, जीतन राम मांझी। आंसर बी, नंद किशोर यादव। एक्सप्लेनेशन, भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में चुनाव की प्रक्रिया के बाद उनको अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नए अध्यक्ष के साथ आसन तक गए। अगला प्रश्न, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए, पटना। बी, गुवाहाटी। सी, वाराणसी। डी, जयपुर। आंसर डी, गुवाहाटी। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपति और शिक्षाविदों सहित 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं।